अब तक 821 यूक्रेनी सैन्य ठिकाने तबाह हो चुके हैं। तो धीरे धीरे मजबूती के साथ रूसी सेना आगे बढ़ते हुए 821 सैन्य ठिकानों को तबाह करने की बात अब रूस की ओर से की जा रही है कि 821 सैन्य ठिकाने यूक्रेन के तबाह कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो टारगेट है रूसी जो सेना की ओर से वो यही दिखाई दे रहा है कि जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनको हिट किया जाए और कीव की चारों ओर से घेराबंदी कर उस पर कब्जा जमाया जाए, क्योंकि जब राजधानी पर ही कब्जा हो जाएगा तो फिर सरेंडर करने के लिए मजबूर हो जाएगी यूक्रेन की सेना। तो उसी रणनीति के तहत आगे बढ़ती हुई रूसी सेना नजर आ रही है। तो आप देख रहे हैं तबाही का मंजर कीव में, और जो रूसी सेना की ओर से दावा किया जा रहा है 821 सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया गया है, ये रूसी सेना की ओर से दावा किया जा रहा है। और जानकारी ये भी मिल रही है मेलिटोपोल पर कब्जा जमाने में भी रूसी सेना कामयाब हो गई है। और जो यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज की ओर से जो जानकारी लगातार दी जा रही है, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज भी ये कह रही थी कि ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, यूक्रेन की जो सेना है वो ज्यादा देर तक वहां पर रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर पाएगी, ज्यादा देर तक रूसी सेना को नहीं रोक पाएगी। और ये जो तबाही के निशान हम देख रहे हैं इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव में, ये यही दर्शाते हैं कि बहुत ज्यादा देर तक यूक्रेन की सेना वहां पर नहीं टिक पाएगी। लेकिन जो जेलेंस्की के तेवर हैं वो लगातार यही बात कह रहे हैं कि युद्ध के मैदान में वो डटे हुए हैं, वो कहीं युद्ध का मैदान छोड़कर नहीं जाने वाले, वो पूरी कड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं रूसी सेना को, लगातार ये चुनौती पेश करने की कोशिश उनकी ओर से की जा रही है। तो कई टैंकों को तबाह करने में, कई फाइटर प्लेन्स को तबाह करने में, कई जो मिसाइल अटैक्स हमने आपको दिखाए थे कीव में, कल भी जिस तरह से मिसाइल अटैक किया गया था उसको नाकाम करने में यूक्रेन की सेना भी कामयाब हो पाई थी। लेकिन अब जो यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और जो जेलेंस्की खुद भी ये बात मानते हैं कि यूक्रेन की सेना की जो क्षमता है उसके हिसाब से ज्यादा देर तक एक चुनौती दे पाना रूसी सेना को नहीं हो पाएगी, इसमें उन्हें कामयाबी। तो आप देख रहे हैं ये तबाही के निशान कीव में, और जो जानकारी अभी हमें मिल रही है मेलिटोपोल पर कब्जा जमा लिया है रूसी सेना ने। और हमने कल भी आपको ये बताया था कि लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर थी तब रूसी सेना कीव से, और जिस तरह से चारों दिशाओं से ये घेरने की कोशिश हो रही है कीव को और वहाँ पर सैन्य ठिकानों को तबाह करने की कोशिश हो रही है, जो एयरपोर्ट्स होते हैं वहाँ पर उनको किसी तरह से कब्जे में लेने की कोशिश की जाएगी, और रूसी सेना पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए। तो जो रूसी सेना की ओर से जो क्लेम है वो ये है कि 821 सैन्य ठिकाने उसने यूक्रेन के अभी तक तबाह कर दिए। तो ये आप इस वक्त देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये तबाही का मंजर यूक्रेन की राजधानी कीव में। तो रूसी हमले में किस तरह से ये नुकसान पहुंचाया गया है, चाहे वो टैंक्स की बात की जाए, चाहे वो फाइटर प्लेन्स की बात की जाए, लेकिन यूक्रेन की सेना भी डटी हुई है मैदान में, कड़ी टक्कर देते हुए, चुनौती देते हुए। और जेलेंस्की कह रहे हैं कि झूठ फैलाया जा रहा है, उस झूठ पर बिल्कुल भी ध्यान न दें लोग। ऐसे में जो लीड करता है उसको ये स्ट्रॉन्ग मैसेज देना भी जरूरी होता है कि सेना जो है वो कहीं कमजोर ना पड़ जाए। ऐसे में जो लीडर होता है उसे लगातार ये मैसेज देना होता है सैनिकों को कि वो युद्ध के मैदान में पूरी मजबूती के साथ खड़े रहें, और जेलेंस्की यही इस वक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनकी क्या वाकई इतनी सैन्य क्षमता है, कितनी देर तक वो थाम पाएंगे बढ़ते हुए रूसी कदमों को, ये बड़ा सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में है, क्योंकि यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज ये बात कह रही हैं कि ज्यादा देर तक ऐसी परिस्थितियों में टिका रहना यूक्रेन की सेना के लिए ये बहुत मुश्किल काम है।
और ये भी हमने आपको जानकारी दी कि ज़ेलेंस्की ये बात भी कह रहे हैं कि सहयोगी देश के हथियार रास्ते में हैं। अब ये कितनी सैन्य मदद पहुंचाई जाती है ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वो लगातार दुनिया से गुहार लगाते रहे हैं कि उन्हें सैन्य मदद चाहिए और कूटनीतिक मोर्चे पर नए दिन की एक शुरुआत भी कही जा सकती है अगर वो ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति से उनकी बात हुई है और ये पूरा जो गठबंधन तैयार किया जा रहा है अब कितनी सैन्य मदद उन तक वाकई पहुंच पाती है। Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде і далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Слава Україні! तो यूक्रेन के राष्ट्रपति आप ज़ेलेंस्की को सुन रहे हैं किस तरह से वो रक्षकों को सलाम भी कर रहे हैं और ये वीडियो मैसेज देने के पीछे मंशा दरअसल यही है कि वो युद्ध के मैदान में टिके हुए हैं और जो एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है कि वो कीव में नहीं है, ऐसा नहीं है और वो इसी तरह से चुनौती देते रहेंगे रूसी सेना को। उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं और ये जो कीव के हमने आपको तस्वीरें दिखाई जिस तरह से तबाही का मंजर वहां पर नजर आ रहा है, मेजर जनरल एसपी सिन्हा, ये तस्वीरें देखकर क्या समझ में आ रहा है? देखिए, हम लोग आर्मी में जो सिचुएशन रिपोर्ट होता है उसका एक शब्द होता है सिट्रैप। डेली शाम को सिट्रैप जनरेट होता है ग्राउंड जीरो से। तो जो सिट्रैप मेरे अनुसार इस तरह से है, मेयर जो कीव के मेयर हैं विटिलाई क्लिचको, उन्होंने वक्तव्य दिया है कि रूस के कई कमांड ग्रुप्स कीव में ऑलरेडी घुस चुके हैं। दूसरा, रूस का प्लान है कि इवान कीव और चर्निहिव के रास्ते से रशियन टैंक्स कीव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा जो इन्फॉर्मेशन है कि रशियन टैंक्स ओब्लोन को के बीच से निकल रहे हैं और ओब्लोन कीव के सिक्स माइल्स उत्तरी दिशा में है। तो आप यदि ये स्थिति है तो आप समझ जाइए कि अब कीव में रशियंस घुस चुके हैं। तो यदि घुस चुके हैं तो ये तो बहुत ही सिंपल बैटल रीडिंग है कि परिस्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है। लेकिन जब ज़ेलेंस्की ये बात कहते हैं कि हम गिव अप नहीं करेंगे, हम लड़ते रहेंगे, तो ये आर्मी का एक और टीचिंग होता है, लास्ट मैन लास्ट राउंड। यदि उस रास्ते पे जाना चाहते हैं लास्ट मैन लास्ट राउंड, तो ये भी एक रणनीति हो सकती है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की जो ये वक्तव्य है ये बहुत सोची समझी रणनीति है, क्योंकि यदि प्रेसिडेंट इस बात को मान लेते हैं कि हम हार रहे हैं तो जो इच्छा शक्ति है सेना की लड़ने की वो पूरी खत्म हो जाती है, जो सिविलियंस है उनका मोरल खत्म हो जाता है। जी मेजर जनरल एसपी सिन्हा, देखिए जो बात आप कह रहे हैं अब जो प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।